हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेवल टू द डेस्टिनी। अभी मैं फिलहाल हूँ पुणे में और पुणे से हम लोग जा रहे हैं अभी शिवापुर। शिवापुर में जो दरगाह है कमर अली दरवेश, वहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। तो बने रहिए वीडियो में आज के मेरे न्यू व्लॉग के लिए। यहाँ से हम लोग जहाँ पर पुणे में रुके हुए हैं वहाँ से शिवापुर दरगाह टोटल 32 किलोमीटर है। मैं मुंबई से ही ब्लॉग शूट करने वाला था, निकलना था पुणे के लिए शाम में 4 बजे इवनिंग में, बट मुझे लेट हो गया निकलने में, रात के 8 बज गए थे, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया और ज़्यादा देर हो गई थी निकलने के इसमें, इसलिए मैं घाई घाई में बिना व्लॉग शूट किए निकल गया। और इतना घाई में आया कि मैं ग्लव्स भी घर पर ही भूल गया हूँ। यहाँ से अभी टोटल 45 मिनट्स बता रहा है, अब देखो कब तक पहुँच रहे। टाइम हो चुका है अभी 3:30, दिन अपना ही है और रात भी सुहानी है, तो कोई घाई नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े राइडर लोग रहते हैं तो वो लोगों से थोड़ा बच के चलना पड़ता है, इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखना है अपने को। ये आ गए हैं अपन मेन रोड पे। यहाँ से राइट बता रहा है अपने को, मगर यहाँ से राइट है भी कि नहीं, आई थिंक नहीं है। हाँ राइट नहीं है, तो अपने को घूम कर आना पड़ेगा। सफेद कपड़े पहनने से हर कोई सुल्तान मिर्जा नहीं बन जाता और हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं बन जाता। ये देखो ये महाशय कहाँ से चल रहे ले, एकदम राइड की लाइन से जाने गए, पीछे से आके हॉर्न मारे कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन को राइट जाना है, राइट राइट राइट। आंटी को कहाँ जाना है यार, आंटी को लेफ्ट जाना है। हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ी जगह दे दो हमको। क्या यार क्या क्या बोलने का है लोग को, याददाश्त साला जगह देखकर ही सब याद आता है, लगता जगह देखकर कि यहाँ जाना है मुझे, बाकी टाइम ऐसा लगता है हैंडल पकड़े और निकल गए ऐसे ही, बोले जहाँ याददाश्त आएगी वहां मुड़ जाएंगे। मंजिल वही जहाँ याददाश्त सही। चला 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 रे, गरम बहुत हो रहा है यार, फिर भी क्या करे, मजबूरी का नाम गांधी जी, पहनना तो पड़ेगा हेलमेट। ये कहाँ से लेके जा रहा है यार मेरे को, पक्का शिवापुर लेके जा रहा है कि गूगल अपना खुद का ऑफिस लेके जा रहे हैं, क्योंकि साला भरोसा नहीं है, कल पैक खत्म होने वाला है मेरा रिचार्ज का, तो ये बोलेगा आज का एक दिन मैं अपने हिसाब से चलूंगा, भरोसा नहीं। अभी फिर लेफ्ट बोलता है, ये कहाँ से लेके जा रहा है भाई, शिवापुर पक्का लेके जा रहा है कि गूगल अपने ससुराल लेके जा रहे है। तो बोले तेरा तो ससुराल देख लिया मैं बार बार गूगल मैप के इससे, बोले अब मेरा भी ससुराल देख ले। यहाँ झाड़ी झाड़ी के कोने कोने में रोड मिलेंगे, शुक्र है भाई सुना मेरी आवाज गई उसके कानों में, मेरी पुकार। किस किस को ऐसा लगता है कि एक्टिवा में प्लेन की ऐसी आवाज आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।
एक्टिवा जब हाई स्पीड में होती है ना तो उसमें प्लेन की ऐसी आवाज निकलती है। आप लोग को अगर सुनना हो तो किसी एक्टिवा के बाजू में स्पीड में चल के सुनना। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ, उड़ो 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 उड़ो। इंतहार हो गई इंतजार की। इंडिकेटर बंद नहीं होता है क्या? कोई हो तो यार, कोई अगर डीलर शोरूम वाला मैकेनिक अगर मेरी दिल की आवाज को सुनता है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरी ऑटोमेटिक स्कूटी या बाइक निकाल दो ऐसे लोगों के लिए जो हर काम खुद कर सके। ठीक है, ये लोगों के बस की बात नहीं है, ये लोगों के हाथ पर कुछ मतलब के नहीं है। गलती होना अलग बात है और गलत चीज को हैबिट बना लेना वो बहुत ही बहुत घटिया किस्म की बात है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग है ना गलती को ही है ना हैबिट बना लेते। अभी जैसे कि एक बार ऐसे हो गया था जब मैं कार ड्राइव कर रहा था, कातराज में था मैं, पूना में, तो ये ऐसा हो गया था एक बार के इंडिकेटर एक का चालू था और वो ओल्ड एज था। तो मैंने उसको यही बोला कि दादा करके इतना रिस्पेक्ट दिया उसको, मैं बोला दादा तुमचा इंडिकेटर चालू आहे बंद करा। तो वो क्या बोलता है, मेरा चालू है ना, तेरे को क्या करने का, ऐसा बोलता है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, मैं उसको वही बोला गिर के अगर ठुक के कहीं मरता हुआ भी पड़ा रहेगा ना तो भी यही बोलना कि मैं ठुकाना तेरे को क्या करने का, तब नहीं बोला होगा किसी को। तो तभी बुड्ढा था वो कुछ बोला ही नहीं मेरे को, उसको ये बात मैं जब बोला ना, जब गिर के मरने की हालत में रहे ना तभी भी लोगों को यही बोलना कि मैं मरा ना, मैं मर रहा हूँ ना, मैं गिर रहा हूँ ना, तेरे को क्या करने का। वो उसके पीछे एक ओल्ड लेडी भी थी तो उसने मुझे बोली कि हाँ बेटा तुम्हारा बात सही है, उसको समझ में आ गया, लेकिन वो बुड्ढे को समझ में नहीं आया। बुड्ढा अपनी जीत है ना, गलती में जीत गया वो, कि बोले मैं ऐसा इंसान हूँ। उसने बंद नहीं किया लेकिन इंडिकेटर बंदे ने, मेरा क्या जाता है, अपना काम है किसी की सेफ्टी के हिसाब से बोलना। अब वो लोग उसको खुद को बेइज्जती समझते उस चीज को, तो अपन क्या कर सकते, और ऐसे लोग की इज्जत कोई करता भी नहीं है। ये लगता है शायद मेन हाईवे आया है, अब आया है ये मेन हाईवे, साला तरसा दिया बे ये हाईवे के लिए। तो हम लोग फाइनली मेन हाईवे पे आ चुके हैं और अभी 15 किलोमीटर और जाना है, 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। अब मजा आएगा भिड़ू। अरे ट्रक बहुत भारी पलटी है ना, आज पता नहीं मौसम भी अच्छा है और हाईवे भी एकदम खाली खाली है। अभी मैं कुछ एक हफ्ते पहले ही आया था शिवापुर के लिए, तो रोड इतना जाम था ना कि पूछो ही मत। आगे व्यू तो बहुत अच्छा आने वाला है। अभी यहाँ से मेन व्यू चालू हो गया है, आप लोग देखो और मजे लो और लेने दो। मस्त व्यू है यार, एक नंबर। देखते रहो, बने रहो, जुड़े रहो, टूटो मत, आपकी एकता ही हमारी कामयाबी है। अभी ये आ गया है टनल, और अभी ज्यादा लंबा नहीं है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे।
7-8 किलोमीटर है मुश्किल से। आप लोगों ने ये H+200 को आप लोग 100 तक है ना आराम से क्रूज कर सकते हो। अब उसके ऊपर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। मुझे तो मैं मैक्स टू मैक्स 100 तक ही चलाता हूँ, वो भी ऐसे हाईवे पर। बाकी जगह मैं 100 ऐसे हाईवे पर भी मैं 100 के ऊपर जाता नहीं हूँ, क्योंकि बाइक की ब्रेकिंग की जितनी कैपेसिटी है मैं उस हिसाब से ही गाड़ी को भगाता हूँ। हालांकि 120 अगर मैं इस पर चलूँ ना 120 तो भी मैं कंट्रोल कर लूँगा, इतना भरोसा है मुझे खुद पर, बट फिर भी मैं नहीं जाता उतना ज़्यादा, क्योंकि खुद के भरोसे के इसमें रह के हम दूसरों का धोखे का शिकार नहीं हो सकते और ना होना चाहते हैं। इसीलिए बेटर यही है कि दूसरों के धोखे का इंतजार मत करो अपने भरोसे की खातिर। भरोसा है तो भरोसे को भरोसे तक रखो, और ये भी याद रखो कि दूसरा कभी भी धोखा दे सकता है ये मामले में। आ गया शिवापुर, ये आ गई है दरगाह कमर अली दरवेश। फाइनली पहुंच चुके हैं हम। यहाँ है दरगाह और अपन पहले पार्किंग की जगह ढूंढेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। शिवापुर का बैक साइड है ये, पहाड़ पे छोटा सा पहाड़ है उस पे हम लोग अभी जा रहे हैं। शिवापुर दरगाह
यहाँ पर है, मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे शिवापुर दरगाह है, दिख रही होगी आपको। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ये पूरा यहाँ पे हम लोग ऐसे ही आए हैं टाइम पास करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से फिर निकल जाएंगे। खूबसूरती का अगर नज़ारा देखना हो ना तो रिस्क भी हाथ में लेना पड़ता है। देख लो आप लोग, शायद से कैमरे में इतना आ नहीं रहा होगा। ये पूरा पहाड़ है, ये नज़दीक दिख रहा है लेकिन ये है बहुत दूर। और क्या ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, ऊपर बादल भी क्या एकदम मस्त पेंटिंग के माप का बना हुआ है। यही बोल रहा हूँ कि अगर व्यू का मज़ा लेना है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग शिवापुर पहुँच गए दरगाह, और हम लोग ने ज़ारत वगैरह भी कर लिए। तो अभी आज का व्लॉग अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये साथ में था मेरे, ये फ्रेंड है, मोहन नाम है इसका। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। मेरे को नहीं मालूम, मगर मुझे आगे लेकर चलो और साथ में याद करके चलो। तब तक के लिए गुड बाय।